नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश के कासगंज एनकाउंटर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कासगंज एनकाउंटर के मुख्य आरोपी मोती धीमर को रविवार तड़के एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने उसके पास से दरोगा की गायब पिस्टल भी बरामद की है। मोती पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। मोती सिंह सिपाही की हत्या और दरोगा के साथ मारपीट करने का मुख्य आरोपी था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी हुई थी। हिस्ट्री सीटर व 1,00,000 के इनामी अपराधी मुख्य आरोपी मोती की तलाश हेतु आज प्रातः दबिश हेतु क्षेत्राधिकारी पटियाली व गंज द्वारा थानाध्यक्ष शेरपुरा थानाध्यक्ष सिकंदरापुर बैस्ट थानाध्यक्ष SOG क्राइम ब्रांच की टीम जब रवाना थी तो इस इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ के दौरान मोती गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु रवाना किया गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके कब्जे से जो सरकारी पिस्टल लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है। साथ ही अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। इससे पहले कासगंज मामले में एक और आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। वारदात के मुख्य आरोपी मोती के भाई एलकार तथा उसके साथियों को पुलिस ने कावी नदी के किनारे घेर लिया। इस दौरान दोनों ओर से हुई गोलीबारी में एहलकार घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि कासगंज के थाना शिरपुरा में अवैध शराब की सूचना पर छापेमार कार्रवाई करने गए यूपी पुलिस के सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस हमले में दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मोती ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। पुलिस कर्मियों को लाठी और लोहे के भाले के प्रहार से घायल कर दिया गया था। घटना के बाद STF की 5 टीमों समेत पुलिस और SOG की कुल 12 टीमें गठित की गई थी। खुद CM योगी और DGP HC अवस्थी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। घटना के 12 दिन बाद पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोती की मां रूपवती को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी महिला की गिरफ्तारी पुलिस ने उस समय की थी जब वो सरावल के पास से जिला छोड़कर भागने की तैयारी में थी। पुलिस ने महिला के पास से वो भाला भी बरामद किया जिससे सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या की गई थी। उसके मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बता दें कि 9 फरवरी को हुए पुलिस टीम पर हमले को बिकरू कांड पार्ट 2 कहा जा रहा था। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए थे। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में CO पटियाली गवेंद्र पाल गौतम को DGP मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।